Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now we will study about human endocrine system. Endocrine gland और जो tissues हैं जो produce करते हैं hormones को, they both are included under endocrine system. Endocrine system क्या include करता है? क्या include करता है? Endocrine gland और वो cells और tissues जो hormones produce करते हैं. Organized endocrine bodies की अगर हम बात करें, तो वो है pituitary, pineal gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, parathyroid, thymus and gonads. Gonads में testes and ovaries. Testes in case of males and ovaries in case of female. Some other organs such as gastrointestinal tract, liver, kidney, heart, they also produce hormones. तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? They all are under human endocrine system. Hypothalamus region है, pineal gland है, pituitary gland, thyroid and parathyroid, thymus, pancreas, adrenal glands कहाँ होते हैं? Kidney के ऊपर present होते हैं. Kidney, gonads में ovaries in case of female and testes in case of male. ये सभी क्या हैं? Endocrine system के part. Now coming to the very first region that is hypothalamus, जो present होता है forebrain और diencephalon के basal part में. रेगुलेट करता है वेरियस बॉडी फंक्शन को. हाइपोथैलेमस कंटेन करता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स जो सिक्रीट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन. हाइपोथैलेमस से जो भी सिक्रेशंस होती हैं वो फर्दर स्टिमुलेट करती है या इनहिबिट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को. वो स्टिमुलेट करेंगी कि पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर कोई हॉर्मोन सिक्रीट करे, फर्दर कोई बॉडी में एक्शन हो, या फिर वो इनहिबिट करेंगे किसी की सेक्रेशन को या किसी एक्शन को. सो हाइपोथैलेमस क्या करता है? रेगुलेट एंड सिंथेसाइज करता है, रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन जिसे सिक्रीटिंग या स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, जो स्टिमुलेट करता है किसी फंक्शन को, एंड अनदर वन इज इनहिबिटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करता है किसी फंक्शन को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो रिलीज करे गोनाडोट्रोपिन, वेयर एज इसके ऑपोजिट वर्क करता है सोमाटोस्टैटिन जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी. ये जो हार्मोन्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से वो ओरिजिनेट होंगे, एक्सॉन से जाते हुए वो नर्व एंडिंग तक पहुंचेंगे एंड नेक्स्ट सेल को वो स्टिमुलेट करेंगे या फिर कोई रिस्पॉन्स देंगे. हाइपोथैलेमिक हार्मोन रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक. कहाँ से? थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम. वहां जाके वो रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं. बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंडर होता है. नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में.